दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ के 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इस वीडियो पर आधारित हमने एक क्विज भी तैयार की है, तो क्विज का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे। अगर वो भी आपको करना है तो वहाँ से जा कर के आप क्विज को भी कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, रैपिड रिवीजन वीडियो है ये और बहुत तेज़ी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। विलियम बसवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। विलियम बसवर्थ को पॉपुलरली जाना जाता है, पॉपुलरली नोन अच्छे से जाना जाता है, एज द पोइट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। किस नाम से? लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से दो अन्य लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से दो अन्य पोइट भी जाने जाते हैं, एस टी कॉलरेज और रॉबर्ट साउदे। कौन कौन? एस टी कॉलरेज और दूसरे रॉबर्ट साउदे। बात याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विलियम बसवर्थ वाज बॉर्न एट। विलियम बसवर्थ का जन्म कहाँ हुआ? तो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ था। कहाँ? कॉकरमाउथ कम्बरलैंड। नेक्स्ट, वाई इज द ईयर, पाई मीन्स क्यों इज द ईयर साल 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। यानी कि 1798 जो है वो रोमांटिक मूवमेंट का शुरुआत क्यों माना जाता है? फिर से, वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट? तो किस लिए? क्योंकि इस साल विलियम बसवर्थ के लिरिकल बैलड पब्लिश हुए थे, इसलिए। तो जब 1798 में विलियम बसवर्थ के लिरिकल बैलड पब्लिश हुए, उसी साल से जो है रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज। जो रोमांटिक एज है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एज ऑफ बसवर्थ के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, इन विच ईयर कौन सी साल विलियम बसवर्थ ने एडिड जोड़ा, प्रीफेस प्रस्तावना जोड़ी किस में? टू हिज लिरिकल बैलेड, जो उनके लिरिकल बैलेड्स आए थे उसमें प्रस्तावना को कब ऐड किया? तो 1800 में ऐड किया। कब? 1800 में दोस्तों। और 1802 में अपेंडिक्स को जोड़ा था, ध्यान बनाए रखना। अगला हम बात करेंगे, आफ्टर होम किसके बाद विलियम बसवर्थ को अपॉइंटेड नियुक्त किया गया पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का पोइट लॉरेट किसके बाद इनको नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट साउदे के बाद, क्योंकि रॉबर्ट साउदे की मृत्यु जो है वो 1843 में हो जाती है, तभी 1843 में विलियम बसवर्थ को इंग्लैंड का पोइट लॉरेट बना दिया जाता है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज, कौन क्रिटिसाइज करता है विलियम बसवर्थ को? कॉलिंग हिम उन्हें कहकर लॉस लीडर। लॉस लीडर कहकर के विलियम बसवर्थ को क्रिटिसाइज करने वाला कौन है? तो वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग, ध्यान रखना। विलियम बसवर्थ ने एडिड जोड़ा प्रीफेस को टू द लिरिकल बैलेड में कब जोड़ा? 1800 में जोड़ा, ठीक है। अगला, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस स्टर्न डॉटर? तो इसमें ये कहा गया, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड में स्टर्न डॉटर किसके लिए बोला गया है? विलियम बसवर्थ ने स्टर्न डॉटर किसको बोला है? तो ड्यूटी के लिए बोला है। किसको बोला है? ड्यूटी के लिए। अगला, वॉट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज, माइकल के कॉटेज का नाम क्या होता है? तो इवनिंग स्टार नाम होता है उसकी कुटिया का, ठीक है। और माइकल के बेटे का नाम होता है ल्यूक। क्या नाम होता है? ल्यूक। अगला, बसवर्थ प्रिल्यूड, विलियम बसवर्थ की जो प्रिल्यूड इज मीन्स है, कैसी पोइम है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। अगला, बसवर्थ ने रोड लिखा अ सोनेट लंदन 1802। विलियम बसवर्थ ने एक सोनेट लिखा, सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइनों की एक पोइम होती है, ठीक है। और उस सोनेट का नाम है लंदन 1802, और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, टू मिल्टन करके। तो किसके ऊपर लिखा है? ऑन, तो जॉन मिल्टन के ऊपर, लंदन 1802
टू को विलियम बसवर्थ ने लिखा है। टू होम, सॉरी, होम डज विलियम बसवर्थ रेफर इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में विलियम बसवर्थ ने किसको रेफर किया? तो दाई सोल, तेरी आत्मा, वाज लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह, एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो दाई सोल किसकी? दाई सोल तेरी आत्मा, किसकी आत्मा? जॉन मिल्टन की आत्मा। कौन कह रहा है? विलियम बसवर्थ। तो किसके लिए रेफर किया है? मिल्टन के लिए रेफर किया है। ओके, अगला, द फर्स्ट वर्जन, पहला वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, यानी कि ये जो पोएम है ना, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये 1802 में लिखी गई थी अंडर द टाइटल, एक अन्य टाइटल से, और उस समय उसका टाइटल क्या था? लीच गैदरर। लीच गैदरर का मतलब होता है जोक इकट्ठा करने वाला। नेक्स्ट, इन विच पोएम, कौन सी पोएम में वंस एंड चैटरटन, बर्न और चैटरटन को मेंशन किया गया है? तो ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें वंस और चैटरटन को मेंशन किया गया है? तो वो पोएम है हमारी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। किसमें? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। दी लाइन, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुझे इस समय भी यहाँ पर जीवित रहना चाहिए। कौन? विलियम बसवर्थ कह रहे हैं। कौन सी पोएम में कह रहे हैं? तो टू मिल्टन, लंदन 1802 में। किसको बोल रहे हैं? जॉन मिल्टन के लिए। तो ये टू मिल्टन लंदन 1802 किसने लिखी? विलियम बसवर्थ ने। हु ओपिनियंस, यानी ओपिनियन, किसकी राय में देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी, ना है ना हो सकता है एनी इसेंशियल डिफरेंस, कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है बिटवीन, बीच में, किसके बीच में? द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मैट्रिकल कंपोजिशन में ना तो कोई महत्वपूर्ण डिफरेंस है, आवश्यक डिफरेंस है, और ना ही होगा। ये बात किसने कही? विलियम बसवर्थ के द्वारा कही गई। किसके द्वारा? विलियम बसवर्थ। अगला है 18, दी कंप्लीट टाइटल ऑफ दी पोइम, एक पोइम है टिंटन एबे, टिंटन एबे का पूरा टाइटल क्या है? पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि टिंटन एबे का पूरा टाइटल बताओ, तो टिंटन एबे का पूरा टाइटल यहाँ पर लिखा है, पढ़िएगा। दी अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग दी बैंक ऑफ दी बाई रिवर ड्यूरिंग अ टूअर जुलाई 13, 1798, बसवर्थ रिविजिट, यहाँ पर इस जगह पर टिंटन एबे नामक जगह पर विलियम बसवर्थ ने रिविजिट किया। रिविजिट का मतलब पुनः दोबारा से ही आए, इसका मतलब इससे पहले भी कभी आए होंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इससे पहले इस स्थान पर विलियम बसवर्थ कब आए? देखो सबसे नीचे पढ़िएगा, वेन डिड ही विजिट, वेन मीन्स कब, डिड ही विजिट, ही मीन्स उन्होंने, किसने? विलियम बसवर्थ ने विजिट किया कहाँ? टिंटन एबे नामक स्थान का, फर्स्ट टाइम, पहली बार ये कब आए थे? दूसरी बार ये 1798 में आए, तो ये दूसरी बार जब 1798 में गए थे तो 5 साल बाद गए थे, तो इसका मतलब 5 साल ही कम कर दो 1798 में, पहली बार कब गए पता लग जाएगा 1793 में। 19 नंबर क्वेश्चन, हु हैज कॉल्ड विलियम बसवर्थ, यहाँ पे होगा मोरल इनच, यानी कि विलियम बसवर्थ को मोरल इनच किसने कहा? क्या? मोरल इनच किसने बोला? तो मोरल इनच कहने वाले कौन थे? पी बी सैली थे। किसने कहा? पी बी सैली ने, ध्यान बनाए। अगला क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज, कौन क्रिटिसाइज करता है विलियम बसवर्थ को फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी, कि इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी ऑफ पोइट्री को फॉलो नहीं किया, तो ऐसा क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? टीएस एलियट। तो हु के स्थान पर टीएस एलियट को रख लो, टीएस एलियट ने क्रिटिसाइज किया, किसको क्रिटिसाइज किया? विलियम बसवर्थ को। क्या कहकर के क्रिटिसाइज किया? कि फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री, कि इन्होंने अपने खुद की थ्योरी ऑफ पोइट्री को फॉलो नहीं किया। अगला, विच सोनेट ऑफ ग्रे, ग्रे का कौन सा सोनेट, किसका? थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे ने एक बहुत ही प्रसिद्ध इलेजी लिखी, फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वो भी ध्यान बनाए रखना। तो बसवर्थ ने यहाँ पर समझिए, विच सोनेट ऑफ ग्रे, ग्रे का कौन सा सोनेट
जिसको विलियम बसवर्थ एग्जामिन करते हैं किस में, इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में, ठीक है। और ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलड ये 18th में आया था। कौन सा सोनेट होता है थॉमस ग्रे का, तो वो सोनेट होता है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट क्या है, इसका जॉनर क्या है, तो आप कहोगे सोनेट है। किसने लिखा, थॉमस ग्रे ने। इसी सोनेट को किसने एग्जामिन किया प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में, तो विलियम बसवर्थ ने। ये आया कब, 1792 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है द लिरिकल बैलड। जो लिरिकल बैलड्स थे वर बेटर अप्रिशिएटेड, अधिक ज़्यादा इनकी प्रशंसा की गई, कहाँ, अमेरिका में, देन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की अपेक्षा। कहने का मतलब ये है कि लिरिकल बैलड को इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में इनको अधिक प्रशंसा मिली, अधिक ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। तो जो अमेरिका में इसका लिरिकल बैलड का फर्स्ट एडिशन, कहाँ, अमेरिका में लिरिकल बैलड का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था कब, वो साल बतानी है, तो वो साल थी 1802। अमेरिका में लिरिकल बैलड का सबसे पहला पब्लिकेशन कब आया था, 1802 में, सबसे पहली बार फर्स्ट एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था। बात क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करेंगे 23 नंबर पे। विलियम बसवर्थ ने पब्लिश किया डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। ये दोनों इनकी एक पोइटिक कलेक्शन है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी इनका एक पोइटिक कलेक्शन है और इवनिंग वॉक भी इनका एक पोइटिक कलेक्शन है। और ये पोइटिक कलेक्शन इनका कब पब्लिश हुआ है वो बताना है आपको, तो 29 जनवरी 1793 को। कब पब्लिश हुआ है, 29 जनवरी 1793 को। इसके बाद इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, बाज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग। ये जो सॉलिटरी गर्ल होती है, इसमें जो एक पोइम है विलियम बसवर्थ की सॉलिटरी रीपर, जिसमें एक लड़की होती है, जब विलियम बसवर्थ स्कॉटलैंड के टूर के दौरान वहाँ पर जा रहे होते हैं, तभी इनको क्या, एक लड़की को फसल काटते हुए देखते हैं, ठीक है, रीपिंग क्रॉप्स। तभी ये क्या हो रही होती है, वो अकेली लड़की जो है अपने खेतों में फसल को काट रही होती है। उसी समय फसल को काटते काटते, अपने काम को करते करते, एक गाना भी गुनगुना रही होती है। उस गाना को वहाँ से विलियम बसवर्थ जब गुजर रहे होते हैं तो सुनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया कि जब विलियम बसवर्थ ने उस अकेली लड़की को वो गाना गाते हुए सुना, वो गाना किस लैंग्वेज में गा रही थी, तो वहाँ पे इर्स लैंग्वेज गैलिक यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है विलियम बसवर्थ को वो लैंग्वेज समझ नहीं आई जिस लैंग्वेज में वो अकेली लड़की स्कॉटलैंड की गाना गा रही थी। बात क्लियर है। नेक्स्ट 25 नंबर पे, इन विच पोइम, कौन सी पोइम में ब्राउनिंग राइट्स लिखते हैं अबाउट बसवर्थ के बारे में। कौन, रॉबर्ट ब्राउनिंग राइट्स लिखते हैं किसके बारे में, बसवर्थ के बारे में, कौन सी पोइम में, तो वो पोइम थी लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर में लिखते हैं और क्या लिखते हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। यानी कि जब ये 1843 में विलियम बसवर्थ पोइट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी इनको क्रिटिसाइज करने के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ये कोटेशन बोलते हैं। और ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बोली, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, किसके लिए बोली, विलियम बसवर्थ के लिए बोली। कौन से वर्क में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोली, द लॉस लीडर में। कब बोली, 1843 की। बात क्लियर है। नेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन अपीयर, सी इज इन हर ग्रेव, वो अब अपनी ग्रेव में है, कब्र में, एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ये लाइनें कहाँ से ली गई, तो ये लाइनें ली गई हैं एक लूसी पोइम्स का कलेक्शन आया था विलियम बसवर्थ का, जिसमें इनकी ये पोइम उसी कलेक्शन में ये आई थी, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन बीच। तो ये लाइनें इसी पोइम से ली गई, इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। 27 नंबर की अगर हम बात करें, तो विच टाइम, कौन सा समय विलियम बसवर्थ यहाँ पर रेफर करते हैं टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिलूड। प्रिलूड से ये लाइनें ली गई हैं और इन लाइनों को पढ़कर के आपको किसकी याद आती है, कौन से समय की याद आती है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद आएगी। किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या, यूरोप एट दिस टाइम
एट दैट टाइम यूरोप उस समय बहुत थ्रिल्ड विद जॉय, एकदम जॉय से भरा हुआ था, ठीक है। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, और फ्रांस में उस समय अपने गोल्डन आवर के टॉप पर था, एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो फिर से एक बार जन्म ले लिया है। तो द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन उस समय लगभग समाप्ति की ओर था। अगला, विच पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और आगे विच पोइम दीज लाइन्स, कौन सी पोइम से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ये कुछ पंक्तियाँ आपके सामने दी गई हैं इस स्लाइड में, आपको ये बताना है कि ये पंक्तियों को पढ़ो और पढ़ करके हमको ये बताओ कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो देखो, दे फ्लैश अपॉन डेट इनवर्ड आइज, दे मीन्स बी, यहाँ पर जो दे प्रोनाउन का यूज हुआ है वो डैफोडिल्स के फूल्स के लिए हुआ है। जब विलियम बसवर्थ घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डैफोडिल्स के एक लॉन्ग बेल्ट को देखते हैं, यानी कि एक तालाब को या एक किसी लेक या झील को देखते हैं जहाँ पर डैफोडिल्स के बहुत सारे अनगिनत फूल होते हैं, यानी कि उनको देखते हैं। तो और देखने के बाद में वो अपने वहाँ से टूर से वापस आ जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो अपने घर पर जब बैठे हुए होते हैं तब अपनी इनवर्ड आई से, आंतरिक यानी कि मन की आंखों से, दिमाग से उसी सीन को याद करते हैं। और जब वो याद कर, कब याद करते हैं, जब वो अकेले होते हैं, अकेले बैठे हुए होते हैं, और अकेले बैठ करके जब वो सीन, वो दृश्य याद करते हैं तो वो दृश्य इनको क्या करता है, ब्लिस करता है। ब्लिस का मतलब खुशी प्रदान करता है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई, डैफोडिल से ली गई हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, विच पोइम दीज लाइन्स आर अ पार्ट ऑफ, एक कुछ लाइनें फिर से मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये लाइनें भी आपको बताना है। नेचर नेवर डिड बीट रे द हार्ट ओके डैट लव्ड सर, यानी कि प्रकृति नेवर डिड बीट रे, कभी धोखा नहीं देती दी हार्ट उस दिल को, यानी कि प्रकृति उस दिल को कभी धोखा नहीं देती, डेट लव हर, जो दिल, जो व्यक्ति उसको प्यार करता है। उनके कहने का मतलब विलियम बसवर्थ का ये था कि ये प्रकृति भी उसको कभी धोखा नहीं देती, जो व्यक्ति प्रकृति को प्यार करता है। तो ये लाइनें टिंटन एबी से ली गई हैं, कहाँ से, टिंटन एबी। अगला हम बात करेंगे दी फॉलोइंग लाइन आर टेकन, ये लाइनें कहाँ से ली गई, कौन सी लाइनें, To me, the meanest flower that blows can give thought that do often lie too deep for tears. ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? To me, the meanest flower that blows can give thought. तो ये लाइनें आपको बताना है इमोर्टिलिटी ओड से ली गई हैं। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, To me, the meanest flower that blows can give thought that do often lie too deep for fears. Who said it? ये किसने कहा, टू मी दी मीनेस्ट फ्लावर, ये कहा किसने? तो भाई यहाँ पर ये PGT के 2004 में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर ये लाइनें विलियम बसवर्थ के द्वारा कही गई हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में से विलियम बसवर्थ का कहीं पर कोई नाम नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है विलियम बसवर्थ ने इन लाइनों को कहाँ कहा है, तो ध्यान बनाए रखिएगा इमोर्टिलिटी ओड की ये लाइनें हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये लाइनें कहाँ से कही गई हैं, यानी कि चाइल्ड इज द फादर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, और कौन सी की, माई हार्ट स्लीप्स अप की लाइनें हैं, सी। अगला, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग डैट एवर ग्रो बिसाइड, द स्वीटेस्ट थिंग डैट एवर ग्रो बिसाइड, ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, द स्वीटेस्ट थिंग डैट ever grow beside a human door, to Lucy की लाइनें हैं, कहाँ से हैं, to Lucy की लाइनें। अगर आपका इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसको बहुत डिटेल ही समझाया है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तो बस एक रैपिड रिवीजन के लिए इस चैनल पे इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। अगला, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, इन लाइनों को आपको बताना है, ठीक है। आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जन्म जो होता है बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और इसके बाद जब हम मर जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ठीक है, तो भी हमें कुछ भी याद पिछले जन्म का नहीं होता,
यही कहना चाह रहे थे, सोल डेट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार। तो ये कहाँ से लिया गया, ये इमोर्टिलिटी ओड की ये लाइनें ले गई हैं। कहाँ से, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, कहाँ से ली गई, इमोर्टिलिटी ओड से। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इसीलिए ध्यान बनाए रखना, इमोर्टिलिटी ओड। इन विच पोएम, कौन सी पोएम में आ बस वर्थ दीज लाइन अक्योर, वी आर लेड आ स्लीप इन आवर बॉडी बिकम अ लिविंग सोल, वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकमिंग अ लिविंग सोल। ये लाइनें भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये लाइनें भी कहाँ से ली गई हैं, हमारी थिंटन एबे से ली गई हैं। कहाँ से, थिंटन एबे, बहुत ध्यान बनाए रखना। इमोर्टिलिटी ओड और थिंटन एबे दोनों की लाइनों में बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, और दोनों ही पोएम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। विचबर्ग का बस बर्थ वाज क्रिटिसाइज इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू, दिस विल नेवर डू। तो उन्होंने कहा कि विच वर्क का बस वर्थ का कौन सा वर्क वाज क्रिटिसाइज किया गया था, किस में, द एडिनबर्ग रिव्यू में, और क्या कह करके दिस विल नेवर डू। तो इनका एक एक्सकर्सन वर्क था, उसको क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है, एक्सकर्सन को। द ट्रू कमिशमेंट, ट्रू कमिशमेंट का मतलब होता है शुरुआत होना, एक अच्छी शुरुआत हुई आप बस वर्थ के पोइटिक करियर की, बस फ्रॉम कब से, ये TGT के 2004 में पूछा गया, तो 1797 से 98 ये जो साल थे ना, इसी साल से विलियम बस वर्थ के ट्रू कमिशमेंट पोइटिक करियर की शुरुआत माना जाता है, यानी कि पोइटिक इस साल विलियम बस वर्थ के बहुत अच्छे अच्छे वर्क आए थे, जैसे प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड, ये सब आए थे, और यहीं से विलियम बस वर्थ को प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गई। इसीलिए उनके करियर, पोइटिक करियर के बारे में कहा जाता है कि इस साल से लगभग ट्रू कमिशमेंट एक अच्छी शुरुआत मानी गई, यानी कि यहाँ से इनका पोइटिक करियर शुरू हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई विलियम बस वर्थ, यहाँ पर नीचे विलियम, ये चार वर्क दिए गए हैं, इनमें से कोई एक वर्क विलियम बस वर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं लिखा गया है। तो दी मे क्वीन को नहीं लिखा है, बाकी ये तीनों माइकल पास्टोरल पोइम है इनकी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये सभी विलियम बस वर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, बाकी मे क्वीन को नहीं लिखा गया है। बस वर्थ लर्न, विलियम बस वर्थ ने सीखा, डैट बर्स में बिल्ट अ प्रिंसली थॉर्न ऑन हम्बल ट्रुथ, ये लाइनें कहाँ से, विलियम बस वर्थ ने ये चीज़ें सीखी थी, और ये कोटेशन है एक कि ये चीज़ इन्होंने कहाँ से सीखी विलियम बस वर्थ ने, तो रॉबर्ट बर्न से सीखा है, लर्न किया है विलियम बस वर्थ ने, क्या कि वर्स में बिल्ट अ प्रिंसली थॉर्न ऑन हम्बल ट्रुथ। अगला, नेक्स्ट हम बात करेंगे द एक्सकर्सन, जो कि 1814 में आई थी, मार्क द बिगिनिंग ऑफ, ओके, अब मार्क द बिगिनिंग ऑफ शुरुआत मानी जाती है एक्सकर्सन की, एक्सकर्सन के आने के बाद जो विलियम बसवर्थ का पोइटिक कैरियर था, पोइटिक जीनियस था, वो डेक्लाइन होने लगा था, यानी कि पतन होने लगा था। इसके बाद विलियम बसवर्थ के बहुत ज़्यादा फेमस वर्क नहीं लिखे गए, तो डेक्लाइन का मतलब होता है पतन, आप बस वर्थ पोएटिक जीनियस। 43 नंबर की बात करें तो विलियम, 40 नंबर चलो पढ़ लो, इसके बाद 40 आएगा। विलियम बस वर्थ का लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन, देखो लाइन लगा करके पूछा गया है, ए विलियम बस वर्थ के लिरिकल बैलेड 1798 में आए थे, कब पब्लिश हुआ था, 1798 में, और जब विलियम बस वर्थ का लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, यहीं से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। 41 नंबर देखिए, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, प्रत्येक महान कवि एक अध्यापक होता है, आर द वर्ड्स ऑफ, ये किसके शब्द हैं, तो ये विलियम बस वर्थ के शब्द हैं, किसके हैं, विलियम बस वर्थ के। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाई, ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये विलियम बस वर्थ के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, विलियम बस वर्थ। विलियम बस वर्थ द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ, 1798 में। नेक्स्ट, हु सैड, किसने कहा, मिल्टन दाउ सुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन दाउ सुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर,
ये किसने कहा और किसके बारे में कहा? तो विलियम बसवर्थ ने कहा, और किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में कहा अपनी एक पोइम ओके टू मिल्टन में। अगला, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट पार्ट, हु रोट, ये लाइनें किसने लिखी एंड अबाउट होम किसके बारे में लिखी? तो इन लाइनों को विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखा गया, और किसके बारे में बोली ये लाइनें? तो जॉन मिल्टन के बारे में बोली। बसवर्थ रोट द प्रीलूड, इन विलियम बसवर्थ ने प्रीलूड अपने वर्क को लिखा, कितनी पुस्तकों में इसको लिखा, इसमें टोटल प्रीलूड में कितनी पुस्तकें थी? तो 14 बुक्स थी। अगला, इन विच ईयर कौन सी साल प्रीलूड को पब्लिश करवाया गया था? तो देखो पब्लिशिंग डेट है, पब्लिश करवाया गया था 1850 में, और इसको लिख करके कंप्लीट किया गया था 1805 में, ठीक है। और पब्लिश इनकी विडो, इनकी मृत्यु के बाद इनकी विडो मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया। टू होम, किसके लिए इज विलियम बसवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रीलूड एड्रेस? जो विलियम बसवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है द प्रीलूड, वो किसको एड्रेस की गई है? तो अपने एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे इनकी मुलाकात 1795 में होती है पहली बार, एस्टी कॉलरिज, उनके लिए ये एड्रेस है। हु कॉल्ड बसवर्थ द इगोइस्टिकल सबलाइम, विलियम बसवर्थ को इगोइस्टिकल सबलाइम किसने कहा? तो विलियम बसवर्थ को इगोइस्टिकल सबलाइम किसने? जॉन कीट ने बोला। किसने? जॉन कीट ने। इसमें चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन को, लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर, ओके, जो कुछ भी हम प्रकृति में देखते हैं वो सब हमारा है, डेट इज आवर, वह सब हमारा है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से, कहाँ से? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से, और सी ऑप्शन थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे बाय मिस्टेक। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और इवनिंग वॉक को किसने लिखा? विलियम बसवर्थ के, ये इनके पोएटिक वॉल्यूम हैं जो कि 1793 में आए थे। हु हैज रिटन द रुथ, रुथ को किसने लिखा? ये विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखा गया। अगला, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कहाँ से ली गई? टेबल टर्न्ड से ली गई हैं, कहाँ से? टेबल टर्न्ड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पैटरवेल, इनमें से किसने पैटरवेल को लिखा? तो पैटरवेल पोइम को लिखने वाले भी कौन है? विलियम बसवर्थ हैं। यहाँ पे बसवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड, विलियम बसवर्थ ने अपनी एक्सप्रेस किया हिज व्यूज, अपने विचारों को एक्सप्रेस किया, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, यानी कि ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल का मतलब होता है आत्मा का स्थानांतरण, यानी कि आत्मा का एक लोक से दूसरे लोक में जाना, इस तरीके के विचारों को कौन सी पोइम में विलियम बसवर्थ ने एक्सप्रेस किया? तो एक्सप्रेस किया ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी में, किसमें? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी में, ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। अगले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ट्रैवल पोइम, इनमें से चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में से विलियम बसवर्थ की कौन सी पोइम्स या कौन सा पोइटिक बैलूम वो ट्रैवल पोइम के नाम से जाना जाता है, या ट्रैवल पोइम क्या कहा गया? दीज ट्रैवल पोइम बिलोंग टू विलियम, तो कौन सी ट्रैवल पोइम? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज में जितनी भी पोइम्स थी वो सभी ट्रैवल पोइम्स के नाम से जानी जाती हैं। लैरिकल बैलेट अपीयर्स विद, जो लैरिकल बैलेट में टोटल कितनी पोइम थी? 23 पोइम्स थी, ठीक है, जिसमें से चार पोइम एस्टी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई और 19 पोइम विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, लैरिकल बैलेट में टोटल पोइम 23 थी, 23 में से चार पोइम एस्टी कॉलरिज ने लिखी, 19 पोइम विलियम बसवर्थ ने लिखी। अगला हम बात करेंगे, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ बसवर्थ वाज रिजेक्टेड, जो इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ बसवर्थ वाज रिजेक्टेड बाई, किसके द्वारा ये रिजेक्ट की गई? टी एस एलियट के द्वारा।
वासवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड, विलियम वासवर्थ की प्रिल्यूड को कब कंप्लीट किया गया था, तो 1805 में कंप्लीट किया गया, 1805-50 में पब्लिश करवाया गया। इन विच ईयर, कौन सी साल विलियम वासवर्थ ने एड जोड़ा, द प्रीफेस प्रस्तावना को जोड़ा टू लिरिकल बैलेड्स में, तो कब जोड़ा, 1800 में प्रस्तावना जोड़ी गई। अपेंडिक्स कब, 1802 में, ध्यान बनाए रखना। द टाइटल ऑफ वासवर्थ द फर्स्ट पोएटिकल वैलूम इज, जो विलियम वासवर्थ का सबसे पहला पोएटिकल वैलूम कौन सा कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ध्यान बनाए रखना उसका नाम क्या था। फर्स्ट पूछा जाए, अगर आपसे कोई भी पूछे एग्जाम में कि विलियम वासवर्थ का सबसे पहला पोएटिकल वैलूम कौन सा था, तो नाम लोगे आप डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का। लूसी पोइम बाज वासवर्थ रेफर टू, विलियम वासवर्थ की जो लूसी पोइम है वो रेफर की गई हैं, किसके लिए रेफर की जाती हैं, तो अ ग्रुप ऑफ फाइव लिरिक्स पोइम थी, यानी कि पाँच लिरिक पोइम्स का कलेक्शन जो है वो लूसी पोइम्स के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम द ब्लो कोटेड दीस लाइन्स, अब नीचे एक आपको कुछ लाइनें दे रखी हैं और आपसे ये पूछा गया ये कुछ लाइनें आपकी कहाँ से ले गई हैं, कौन सी पोइम से विलियम वासवर्थ की उठाई गई हैं, तो ये नाइटिंगल वर्ड समझ करके ये गलती मत कर दीजिएगा कि ये नाइटिंगल पोइम से ली गई, नहीं भैया, ठीक है। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट टू अ बेरी बैंड्स, ये सॉलिटरी रीपर से ली गई हैं कि कोई भी नाइटिंगल इतना अच्छा वेलकम नोट नहीं गा सकती टू बेरी बैंड्स का मतलब होता है जो थके हुए, बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्रियों का समूह, इन सम सेवी हाउंड अमंग द अरबियन सैंड्स, जो अरबियन का रेगिस्तान है वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो किसी छाया के नीचे जब बैठे होते हैं, तो जब वो बैठे होते हैं तब नाइटिंगल का गीत उन्हें सुनाई देता है, वो उनसे अच्छा और कोई भी दूसरा उनका वेलकम नोट नहीं हो सकता, तो ये कहाँ से, ध्यान बनाए रखिएगा, सॉलिटरी रीपर से, ठीक है। नाइटिंगल को, ओ टू नाइटिंगल को लगाने की गलती नहीं करना है। अगला, हु सेड, किसने कहा, दी पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक कवि को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यक्ति के लिए बात करे, व्यक्ति के बारे में उसके जो है बेहतर के लिए बात करे, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, विलियम वासवर्थ है, कौन है, विलियम वासवर्थ, ध्यान बनाए रखिएगा। अगला उन्होंने कहा है कि 65 पे, इन विच पोइम, कौन सी पोइम हैज वासवर्थ डिस्क्राइब की गई डिफरेंट मूड ऑफ नेचर, विलियम वासवर्थ की कौन सी पोइम में डिफरेंट मूड ऑफ नेचर प्रकृति के, यानी कि अलग अलग मूड्स अलग अलग स्वभावस को डिस्क्राइब किया गया है, तो वो टिंटन एबी में, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे में डिफरेंट नेचर के डिफरेंट मूड्स को डिस्क्राइब किया गया है। अगला, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर, देखो हमारे प्रोनाउंसिएशन में अब अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट उसको कर लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कहते नहीं, जो गांव का इन्फ्लुएंस होता है वो रहता है, तो हमारी भाषा में एक गांव का इन्फ्लुएंस है वो ऐसे ही बना रहेगा, मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको जो भी इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, तो ये कौन होता है, तो वो विलियम वासवर्थ होते हैं, विलियम वासवर्थ जो हैं वो प्रकृति को कई तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। इन थ्री ईयर्स सी ग्रो इन सन एंड सावर, इस तरीके से इस पोइम की पहली लाइन है, तो थ्री ईयर्स सी ग्रो द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव, इस पोइम में एक लाइन बीच में ये लाइन आती है, एजुकेशन ऑफ नेचर द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज, आगे लिखा जाएगा एज द फॉन, फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, ठीक है, कि ये जो छोटी बच्ची है वो पहाड़ों पर एक हिरन के बच्चे के समान
कूदती हुई फुदकती हुई इधर उधर भ्रमण करेगी। हु कंसिडर्ड, कौन मानते हैं विलियम बसवर्थ को एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, किसने कहा विलियम बसवर्थ को, तो डिक क्विंसी ने किया। किसने कहा? डिक क्विंसी ने। अगला, सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, बर रेफरेंस टू, ये विलियम बसवर्थ किसको रेफर करते हैं, तो अपनी चहेती बहन द्रौथी बसवर्थ के लिए ये रेफर करते हैं। 70 की अगर हम बात करें तो वेयर, कहाँ, वेन, कब, कहाँ और कब विलियम बसवर्थ मीट मिलते हैं सर वॉल्टर स्कॉट से, तो विलियम बसवर्थ की सर वॉल्टर स्कॉट से मुलाकात होती है स्कॉटलैंड में, तो कहाँ होती है, स्कॉटलैंड में, और कब होती है 1803 में, कब होती है 1803 में। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार विलियम बसवर्थ ने विजिट किया यूरोप का, तो टोटल 6 टाइम विजिट किया, कितनी बार गए, 6 बार। दी थीम, आपको थीम बताना है और कौन से सोनेट, कौन सी पोइम का थीम बताना है, तो दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है ये, तो इसमें जो थीम है इसका चारों ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा कंडेम्न मटेरियलिज्म, ठीक है, कंडेम्न मटेरियलिज्म, यानी कि वो भौतिकवाद की क्या करता है, आलोचना करता है, भौतिकवाद को छोड़ने की बात करता है। अगला, बसवर्थ, जो विलियम बसवर्थ हैं, ट्रीटेड नेचर, वो नेचर को ट्रीट करते हैं एज अ एक लिविंग पर्सनालिटी की तरह, किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लिविंग पर्सनालिटी। अगला, व्हाट डज पैंथिज्म मींस, यहाँ पर जो वर्ड आपका पैंथिज्म है उसका मतलब क्या है, पैंथिज्म का अगर आप गूगल करोगे तो इसका मतलब निकलेगा पंथवाद, लेकिन यहाँ पे आपको मीनिंग ये पूछा गया कि व्हाट इज दी, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो गॉड इज ऑल, ऑल इज गॉड, भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ ही भगवान है। और आज की वीडियो का सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डिड बसवर्थ गेट आइडिया, फ्रॉम वेयर, कहाँ से डिड विलियम बसवर्थ गेट आइडिया, उन्हें ये आइडिया कहाँ से मिलता है डैड की एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर, एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुक इज लर्निंग, यानी कि जो प्रकृति की शिक्षा है वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक अच्छी है, किससे, टू बुक इज लर्निंग, किताबों से सीखने से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा अच्छी, कौन सी है, एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत साथियों।